हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज मैं आपको जेब्रा फिंचेस के लाइफ साइकिल के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब जेब्रा फिंचेस अंडों से कितने दिन में बाहर निकलते हैं, फिर वो ब्रीडिंग एज में कब आते हैं और वो कितने साल तक जीते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए एंड तक देखते रहिए। जेब्रा फिंचेस जब अंडा ले करते हैं, उसके बाद 12 से 16 दिन तक जेब्रा फिंचेस अपने अंडों को इनक्यूबेट करते हैं। 15 से 16 दिनों के बाद उन अंडों में से जेब्रा फिंचेस के बच्चे बाहर निकलते हैं। अंडों में से निकले हुए इन बच्चों को जेब्रा फिंचेस 25 से 35 दिनों तक फीड करते हैं। उसके बाद वो बच्चे सेल्फ फीडिंग पर आ जाते हैं, मतलब वो खुद से अपना खाना खाने लगते हैं और उनके माँ बाप उनको फीड करना बंद कर देते हैं। लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद जेब्रा फिंचेस एडल्ट हो जाते हैं। जेब्रा फिंचेस जब यंग होते हैं तब उनकी बीक ब्लैक कलर की होती है, और जब जेब्रा फिंचेस एडल्ट हो जाते हैं तब उनकी बीक ब्लैक कलर से कन्वर्ट होके ऑरेंज कलर की हो जाती है। और इन जेब्रा फिंचेस के बच्चों को एडल्ट होने से पहले ही उनके माँ बाप से उनको अलग करके एक सेपरेट केज में रखना चाहिए। इस एडल्ट एज में मेल जेब्रा फिंच और फीमेल जेब्रा फिंच एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर पेयर बनाते, लेकिन एडल्ट एज में इस पेयर को नेस्टिंग मटेरियल या नेस्ट प्रोवाइड करना सही नहीं होता, क्योंकि इस एज में जेब्रा फिंचेस में मैच्योरिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने ले किए हुए अंडे फेंक सकते हैं या अपने बच्चे को सही से फीड नहीं कर सकते। लगभग 4 से 6 महीने के एज के बाद जेब्रा फिंचेस की ब्रीडिंग लेना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि 4 से 6 महीने के एज में जेब्रा फिंचेस पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ब्रीडिंग कर सकते हैं। जेब्रा फिंच हर एक क्लच में 2 से 8 अंडे दे सकता है। अब बात करते हैं जेब्रा फिंच के लाइफ साइकिल के बारे में। वैसे तो जेब्रा फिंच का लाइफ स्पैन 5 से 9 साल का होता है, लेकिन कुछ जगह ये जेब्रा फिंच 12 साल तक जिंदा रहा है तो कुछ जगह ये 14.5 साल तक जिंदा रहा है। जेब्रा फिंचेस की तरह ही फिंचेस में बहुत अलग अलग स्पेसीज पाए जाते हैं। उन फिंचेस के स्पेसीज का लाइफ साइकिल भी लगभग जेब्रा फिंचेस की तरह ही होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।